Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus. This is the first lecture of our subject, and in this lecture we will discuss about introduction to satellite. So this lecture ko aap complete dekhiyega, aapke liye bahut hi important ek lecture hone wala hai aapka. This lecture we will discuss about introduction to satellite communication. इस lecture में हम लोग satellite communication के introduction के बारे में discuss करेंगे. तो introduction to satellite communication के लिए हम लोग firstly we have to discuss about डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके लिए एक पूरा लेक्चर मिलेगा आपको. सो आई होप वी विल डिस्कस अबाउट. सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिंपल डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट. अगर हम चाहते हैं कि सैटेलाइट को सिंपली डिफाइन करना है तो सैटेलाइट इज अ सेकेंडरी बॉडी. सैटेलाइट एक सेकेंडरी बॉडी होती है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइमरी बॉडी, जो कि प्राइमरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है. सो सैटेलाइट एक सेकेंडरी बॉडी है जो कि ऑलवेज प्राइमरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है. हेयर प्राइमरी बॉडी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्राइमरी मोर मासी बॉडी इज रेफर टू एज प्राइमरी बॉडी. जो मोर मासी बॉडी है, जैसे कि यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थ इज रेफर टू एज प्राइमरी. तो मोर मासी बॉडी इज रेफर टू एज प्राइमरी बॉडी. प्लीज नोट दिस पॉइंट. मोर मासी बॉडी इज रेफर टू एज प्राइमरी एंड लेस मासी बॉडी इज रेफर टू एज सैटेलाइट. और लेस मासी बॉडी को सेकेंडरी या फिर सैटेलाइट के नाम से जानते हैं. तो सैटेलाइट एक सेकेंडरी बॉडी है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है इन अ फिक्स ऑर्बिट. एंड द सैटेलाइट इज ऑलवेज प्लेस इन अ फिक्स ऑर्बिट एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ विद वेलोसिटी वी. तो सैटेलाइट इज फिक्स्ड इन दिस ऑर्बिट ड्यू टू द फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैटेलाइट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ऑलवेज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है विद अ वेलोसिटी वी. तो ये एक यूनिवर्सल फोर्स होता है जो कि अर्थ और सैटेलाइट के बीच में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से अर्थ ऑलवेज लिंक विद द अर्थ, सॉरी सैटेलाइट इज ऑलवेज लिंक विद द अर्थ एंड रिवॉल्व अराउंड अर्थ विद अ फिक्स ऑर्बिट विद वेलोसिटी वी. सो इस तरह से हम लोग सिंपली भी डिफाइन सैटेलाइट. सैटेलाइट एक सेकेंडरी बॉडी है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है इन अ फिक्स ऑर्बिट विद वेलोसिटी वी. We will discuss about some technical definition of satellite. So technically, if you want to define satellite, satellite is a microwave repeater. Satellite एक microwave repeater station है that permit two or more users with appropriate earth station to deliver exchange information in various form. जो के satellite एक microwave repeaters है जो earth पर मौजूद दो या दो से अधिक stations को एक दूसरे के साथ information exchange करने के लिए permit करता है. सेटेलाइट एक माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन है जो कि अर्थ पर मौजूद दो या दो से अधिक अर्थ स्टेशंस को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए परमिट करता है. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अर्थ पर दो अर्थ स्टेशंस हैं और ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं. तो अगर हम अपने कन्वेंशनल मेथड से करना इस प्रोसेस को करना चाहें तो वी हैव मल्टीपल रिपीटर्स हेयर. दीज आर मल्टीपल रिपीटर्स हेयर एंड दिस अर्थ स्टेशन कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दिस रिपीटर. सो द अर्थ स्टेशन फर्स्टली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू दिस रिपीटर. दिस रिपीटर रिट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू दिस रिपीटर एंड दिस रिपीटर विल रिट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू दिस रिपीटर विद द हेल्प ऑफ दिस टू रिपीटर्स. सो the earth station and the repeater has a distance of 50 kilometers to ye jo distance hai 40 to 50 kilometer vary karta hai. to ye important point hai ki the repeater stations are always placed at some distance and that is 40 to 50 kilometer standardly and depends on the characteristic of these repeaters. So if you want to remove this repeater, we can remove this repeater with we can replace these repeaters with a microwave repeater that is called satellite. So satellite, the information can be transmitted to the satellite and satellite retransmit the information to the other earth station. So jab bhi hum chahte hain ki earth station se satellite repeater earth station se
इस अर्थ स्टेशन का डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें तो हम इस सेटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो सेटेलाइट फर्स्ट अर्थ स्टेशन अपनी इन्फॉर्मेशन इस सेटेलाइट को ट्रांसमिट करेगा और दिस सेटेलाइट विल रीट्रांसमिट द सिग्नल टू द अनदर अर्थ स्टेशन। सो इन दिस वे वी कैन रिमूव दिस ऑल रिपीटर विद द हेल्प ऑफ दिस सेटेलाइट। सो इस तरह से हम लोग इन सभी रिपीटर्स को एक सेटेलाइट के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगर ये दो स्टेशन से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इस सेटेलाइट या फिर माइक्रोवेव रिपीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो जो लिंक यहाँ पर बनेगा इसको हम माइक्रोवेव लिंक कहते हैं। तो द लिंक बिटवीन द अर्थ स्टेशन एंड सेटेलाइट इज कॉल्ड माइक्रोवेव लिंक एंड दिस माइक्रोवेव रिपीटर इज कॉल्ड ए सेटेलाइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेटेलाइट। सो हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड एक हिस्ट्री है। तो फर्स्ट सेटेलाइट वाज लॉन्च बाय रशिया नेम्ड स्पुटनिक इन 1956 एंड सेकंड आफ्टर दैट सेकंड सेटेलाइट इंटेल सेट वन आल्सो नोन एज अर्ली बर्ड इज सेंड बाय अमेरिका इन अमेरिकन कंपनी नासा इन 1965। सेटेलाइट का एक बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन है और सेटेलाइट का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, तो इसको आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। आप लोग हम लोग मैं ये समझता हूँ कि सभी लोग डिफरेंट रिसर्च के साथ आएंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सेटेलाइट, सो द हिस्ट्री पार्ट विल डू योर सेल्फ एंड वी विल प्रोसीड आवर डिस्कशन ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सेटेलाइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेटेलाइट इज सेटेलाइट कैन बी क्लासिफाइड टू फोर बेसिस। So on the basis of construction, satellite are active satellites and passive satellite. On the basis of frequency location, satellites are FSS, BSS, MSS, NSS and meteorological satellite. On the basis of application, Intelsat, Domsat and NOAA. On the basis of polar orbit, orbit LEO, MEO, GEO, we can further classify these all satellite. So now we will discuss about active and passive satellite. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेटेलाइट को ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन उनके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक्टिव और पैसिव सेटेलाइट। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस पैसिव सेटेलाइट। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव सेटेलाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पैसिव सेटेलाइट आर रिफ्लेक्टर्स, पैसिव सेटेलाइट आर रिफ्लेक्टर्स, पैसिव सेटेलाइट रिफ्लेक्टर्स को कहते हैं। दैट्स रिफ्लेक्ट द सिग्नल टुवर्ड द अर्थ स्टेशन, जो कि सिग्नल रिसीव्ड सिग्नल को सिर्फ और सिर्फ अर्थ स्टेशन पर रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। जैसे कि मून एक पैसिव सैटेलाइट है, साथ ही साथ एक नेचुरल सैटेलाइट भी है। मून उस पर भेजे जाने वाले सिग्नल को रिफ्लेक्ट बैक करता है कि मून जो है सनरेज को, जैसे कि मून सनरेज को उस पर आने वाले सनरेज को अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। इस तरह से पैसिव सैटेलाइट उस पर आने वाले सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। तो पैसिव सैटेलाइट आर दो सैटेलाइट दैट हैव कैपेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द सिग्नल टूवर्ड द रिसीवर। तो पैसिव सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू पैसिव सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू रिफ्लेक्ट द सिग्नल टूवर्ड द रिसीवर, रिसीवर के अलॉन्ग सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट कंटेन रिसीवर, एम्पलीफायर, प्रोसेसिंग सर्किट्स अलॉन्ग विद ट्रांसमीटर। तो एक्टिव सैटेलाइट जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के साथ, रिसीव और ट्रांसमिट करने के साथ साथ उसको एम्पलीफाई और प्रोसेस करने का कार्य भी कर। तो एक्टिव सैटेलाइट फर्स्टली रिसीव द सिग्नल, देन इट एम्पलीफाई द सिग्नल एंड देन प्रोसेस द सिग्नल टू रिमूव द डिस्टॉर्शन अकर एंड ऑल्सो रिट्रांसमिट इट टूवर्ड द रिसीवर। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग आवर डिस्कशन ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सेटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड एंड फ्रिक्वेंसी लोकेशन ऑफ सेटेलाइट। तो जो मोस्ट यूज फ्रिक्वेंसी बैंड है फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज फ्रिक्वेंसी बैंड है, डेट इज 150 गीगाहर्ट्ज, 1 से लेकर 50 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 50 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी बैंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो डिफरेंट सेटेलाइट का यूज फॉर डिफरेंट पर्पज के लिए किया जाता है। तो ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन वी कैन क्लासिफाई सेटेलाइट एज इंटेलसैट, डॉमसैट एंड नोआ। तो इंटेलसैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट सर्विसेज। तो ये सेटेलाइट सर्विसेज यूज़ की जाती हैं फॉर इन द कम्युनिकेशन आउटसाइड द कंट्री।
तो कंट्री के आउटसाइड या विद इन द कंट्री, कंट्री टू कंट्री अगर कम्युनिकेशन करना है तो वी यूज़ इंटेलसैट यानी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट सर्विसेज. इफ़ वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट सिग्नल इंफॉर्मेशन विद इन द कंट्री दैन वी यूज डोमसेट मीन्स डोमेस्टिक सेटेलाइट. डोमेस्टिक सेटेलाइट और यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज मीन्स इन कम्युनिकेशन विद इन द कंट्री. तो कम्युनिकेशन अगर हम करना है एक कंट्री के इंटरनली, अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं विद इन अ कंट्री देन वी यूज डोमसेट यानी डोमसेट डोमेस्टिक सेटेलाइट सर्विसेज. एंड नोवा इज यूज फॉर नेशनल ओशनोग्राफी एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ओशन. तो ये ओशन का ऑब्जर्वेशन और वेदर फॉरकास्टिंग और अदर एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाने वाला सेटेलाइट है जिसे हम लोग US नेशनल ओशनोग्राफी एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं. तो वेरियस रिसर्च के बाद ये पता लगा कि अगर हम लोग सेटेलाइट को 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर अर्थ के ऑर्बिट पे फिक्स करते हैं तो देन वी कैन प्लेस 3 सेटेलाइट टू ऑब्जर्व द होल अर्थ. तो इस बेसिस पर अर्थ को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है. तो रीजन 1 इज़ द यूरोप, अफ्रीका, सोवियत यूनियन एंड मंगोलिया. रीजन 2 इज़ द नॉर्थ, साउथ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड. एंड रीजन 3 इज़ द एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ पैसिफिक. सो इस बेसिस पर हम लोग 3 सेटेलाइट का यूज़ करके पूरे अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. तो रीजन 1 इज़ द यूरोप, अफ्रीका, सोवियत यूनियन एंड मंगोलिया. रीजन 2 इज़ द नॉर्थ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड. रीजन 3 इज़ द एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ पैसिफिक. So in the last slide, we will discuss about classification of satellite on the basis of frequency band. So frequency band ke according अगर हम satellite को classify करो satellite पर, satellite was called as FSS, that is called fixed satellite services. The fixed satellite services use a frequency band that is between C to KU band and has frequency of 4 to 6 GHz. तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड हम लोग यूज़ करते हैं. C to KU बैंड के बीच में जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो FSS फ्रीक्वेंसी फिक्स सेटेलाइट सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है. और ये 4 to 6 GHz तक की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है. और एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क्स और केबल कंपनीज के लिए टेलीविज़न सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. तो फिक्स सेटेलाइट सर्विसेज यूज फॉर एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क एंड टू प्रोवाइड टेलीविज़न सर्विसेज फॉर केबल कंपनीज. सेकेंड इज़ द BSS, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग सेटेलाइट सर्विसेज. तो ब्रॉडकास्टिंग सेटेलाइट सर्विसेज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग पर्पज एंड यूज़ KU बैंड फॉर द कम्युनिकेशन. KU बैंड का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए करता है. 12 to 14 GHz इसका फ्रिक्वेंसी बैंड है. एंड इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है D2H में डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है अभी टेलीविजन सर्विसेज डायरेक्ट टू होम दैट इज़ कॉल्ड D2H इज़ यूज BSS यानी ब्रॉडकास्टिंग सेटेलाइट सर्विसेज दैट इज KU बैंड एंड 12 to 2 GHz फ्रिक्वेंसी बैंड. थर्ड वन इज़ द मोबाइल सेटेलाइट सर्विसेज. तो मोबाइल सेटेलाइट सर्विसेज यूज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड एंड इट्स एप्लीकेशन इज लैंड मोबाइल, मैरिटाइम मोबाइल, एरोनॉटिकल मोबाइल. फोर्थ वन इज़ द नेविगेशन सेटेलाइट सर्विसेज. जितने भी नेविगेशनल सर्विसेज हैं वो इसी सेटेलाइट यानी NSS यानी नेशनल सेटेलाइट सर्विसेज के नेविगेशनल सेटेलाइट सर्विसेज के थ्रू होते हैं. द बैंड यूज इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड यूज फॉर GPS के लिए इसका यूज़ किया जाता है. जैसे कि इंडिया का अभी हाल ही में इंडिया का नया अपना एक GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का डिज़ाइन किया है जिसका नाम नाविक है. तो NSS द सेटेलाइट्स नेविगेशनल सेटेलाइट सर्विसेज आर यूज फॉर नेविगेशनल पर्पसेस. फिफ्थ वन इज़ द मेटलर्जिकल सर्विसेज. मेटलर्जिकल सर्विसेज आर यूज फॉर सर्च एंड रेस्क्यू पर्पसेस. सो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्पफुल फॉर यू. इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर योर फर्दर क्लासेस. So thank you very much to watch this lecture.